अगर बात करें सर कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस ने बहुत तबाही मचाई पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, और अब दोबारा से एक नया आगाज हो रहा है। सऊदीया ने इंडिया के लिए फ्लाइट्स अपनी बंद कर दी और बहुत सी कंट्रीज में दोबारा से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस जो 11 दिसंबर 2019 को वबा युहान से वेट मार्केट से शुरू हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल के पेंडेमिक बनी, पाकिस्तान भी उसमें मुबतला हुआ और अभी भी है, अभी भी पेंडेमिक है, उसको डाउनग्रेड नहीं किया गया। इसका मतलब है दुनिया के बेस्ट मुल्कों में है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है कभी, तो ये इसका एक नेचर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैन एज ए साइंटिस्ट आई कैन सेफली से द वर्स्ट इज़ ओवर, तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है और होती जाएगी और ये अब एंडेमिक बन जाएगी, इसकी आउटब्रेक्स होती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें 90 लाख के करीब लोग अपनी जानें दे बैठे हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो जो एंड ऑफ द टनल है उस पर अब कोई रोशनी नज़र आ रही है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है कि क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स काफ़ी हो चुके हैं और वायरस अब कुछ कमज़ोर पड़ती जा रही है, म्यूटेशन उसकी जो हो रही हैं, जो वेरिएशन हो रही हैं उसकी वजह से उसका लगाव तो बढ़ रहा है लेकिन वेरिलेंस कम हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इससे निजात डाल, अगले 3 से 4 साल में काफ़ी हद तक निजात डाल हो जाएगी इसकी, इससे निजात हो जाएगी। लेकिन ये आखिरी वायरस या पहली वायरस नहीं जो आई है, तो और भी आती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपना इकोसिस्टम और अपना लाइफस्टाइल ख़त्म कर दिया है कि ग्रीनरी को कंक्रीट से बदल दिया है, हर जगह पे हमने कभी जो नेचर ने जो हमें नेमतें दी थी उन सबको जहमतों में हमने कन्वर्ट कर दिया है, चाहे वो पानी था पीने का, चाहे वो देखने की चीज़ें थी, चाहे सूंघने की चीज़ें थी, अब हमारी लाइफ अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है और प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मौसम की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। तो इन लिहाजों से, इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, जबकि आप डिफॉरेस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर है यू एक्सपेक्ट के आइंदा जंग अगर 50 साल में होनी है तो ये कोई न्यूक्लियर जंग या टैंकों की नहीं होगी, ये माइक्रोब्स की होगी, जरासीमों की होगी। कोई ना कोई अब मंकी वायरस आ गया है, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, मंकी पॉक्स आ गया है, तो ये आता रहेगा। इसलिए जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे मुल्क हैं, उन्होंने अगर अपने लोगों का सोचना है तो अपने हेल्थ सिस्टम्स पे पैसे लगाएंगे, प्रिवेंशन पे पैसे लगाएंगे, ना कि वो टैंक और ख़रीद लेंगे, वो अनलाइकली है कि वो यूज़ होंगे अब।